आइए आपको बताते हैं यहाँ पे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। ये हमारे आपके ऑफिसर है यहाँ पे। सर कितने का इनको फाइन दे रहे हैं आप? इनका 21,000 को है। 21,000 क्या क्या डॉक्यूमेंट इनके पास में कम? उनके पास कुछ भी नहीं सर। अच्छा, गाड़ी में मीटर वर्किंग क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सब होना चाहिए ना, गाड़ी का परमिट होना चाहिए जी, वो तो नेसेसरी। ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल। फिर बाद में फिटनेस इंश्योरेंस, POC, ओके। गाड़ी में QR कोड लगना चाहिए, मीटर वर्किंग होना चाहिए, ये तो अच्छा आम मीटर, बात है जी। इसकी सबकी अलग अलग एक एक पॉजिटिव स्लिप बन करके जो है तो फाइन पूरा हो रहा है या पूरा मिलाकर एक फाइन दे रहा है? मतलब अगर मीटर नहीं है तो कितना फाइन है? मीटर नॉट वर्किंग का 1,150 रुपये फाइन। ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे कि जो रिक्शे अभी तक के नहीं पकड़े गए हैं और उनको ये चीज़ अगर पता चलती तो वो अपना कार्रवाई जो है तो वो अपनी जो है तो डॉक्यूमेंट क्लियर कर देंगे। तो ज़रा हमको बताइए मीटर का कितना दे रहे हैं आप, ओवर सीट का कितना है, परमिट का? अभी क्या है सर, मैं अभी जूनियर ऑफिसर, जो सीनियर लोग आएंगे ना उनसे एक बार पूछे वो। अच्छा ठीक है, बताते हैं वैसे देते हैं ना हम। हाँ हाँ, तो अभी कितना है इनको? इनको अभी देता हूँ मैं एक मिनट। कौन कौन सी चीज़ नहीं है इनके पास? इनके पास लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है कार का, QR कोड नहीं लगा है, ऐसी छोटी छोटी सब बातें, यूनिफॉर्म नहीं पहने, कुछ भी नहीं किया। ओके, तो देखिए अभी अभी नज़दीक आइए, इन्हों स्लिप निकाल रहे हैं यहाँ पे और आपको पता चलेगा कि इनको जो है तो कितने का फाइन जो है तो इस रिक्शे को मिल रहा है। अभी सर ने बताया कि इनके पास में जो है तो कुछ भी मौजूद नहीं है, जैसे QR कोड नहीं है, मीटर नहीं है, रिन्यूअल नहीं है इनका, तो उसके तहत जो है तो इनको फाइन लगेगा। देखते हैं अभी हम कितना फाइन इनको लगने वाला है। पकड़िए आप, पकड़िए इधर से। औरंगाबाद शहर के जितने भी रिक्शा ड्राइवर है सभी को मैं बता दूं कि आपकी जो गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर ये QR कोड अगर आपके सीट के पीछे लगा हुआ नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी को जो है तो पकड़ कर आरके ऑफिस में सीज कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो है तो आपको फाइन दिया जाएगा। तो ये इसके आगे से फिर आपकी हर चीज़ चेक की जाएंगी कि आपके पास में क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। तो मेरी विनती है सभी रिक्शा ड्राइवरों से कि ये जो QR कोड है आप जल्द से जल्द जो है तो आपके ऑफिस में आके ले लीजिए और जो है तो अपने रिक्शे के सीट के पीछे लगा दीजिए। QR कोड में होता है क्या है कि आपकी जितनी भी डिटेल है इसके अंदर होती है, अगर पीछे पैसेंजर है अगर वो स्कैन करता है तो उसके मोबाइल में आपकी पूरी डिटेल जो है तो आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, आपको ये लगाना ही है। आणखी उद्या संडे आणि जर नाही केलं तर डायरेक्ट आत्महत्या करणार। माझी गाडी नंबर MH20EF0774 उत्तम नाना लोकरे MITC रामनगाव शिंदगुंजी। इतना जल्दी साहब पास भी गए थे, उनके पास भी जाते, वो भी आए थे यहाँ पे, बाद हफ्ता आए, पुलिस वाले से बात करे उन्होंने और वो भी साहब यही बोल रहे क्या क्लियर नहीं है गाड़ी, इतना फाइन देना पड़ेगा, वो भी गलत नहीं है उनका भी बोले। सरदार साहब ने खुद कहा है कि तुमको फाइन देना पड़ेगा, वो खुद आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोले तुमको फाइन, बोले गाड़ी तुम्हारी बोले ड्यू में है, बोले तुमको ऐसे नहीं पकड़े, बोले गाड़ी तुम्हारी ड्यू है, तुम भी कायदे कानून के अंदर आ रहे, बोले तुम्हारा ये क्लियर नहीं, वो क्लियर नहीं। तो भाई चलो भाई एक चीज नहीं क्लियर है उसके ऊपर तुम 15,000-10,000 का फाइन दे रहे, गाड़ी के पेपर क्लियर है उसके बाद भी तुम 15,000 रुपए का फाइन दे रहे, 10,000 का। खासदार जी को यही मैसेज है कि प्लीज हमारे पे थोड़ा देखो, थोड़ा आरटीओ से बात करके थोड़ा हमारा फाइन कम करने लगाओ, गाड़ी छोड़ा लगाओ, गाड़ी खड़े घरे। हमको मांगता है बाबा इंटर जलील भाई ने हमारे साथ में आ जाना, हमारे बात भी थोड़ा सुन जाना, क्या क्या गरीबों को क्या तकलीफ है, वो तकलीफ हो रही है, ऐसी बात है ना। 15,000 को दंड बढ़ रहे, रिक्शा वालों के लिए कुछ मदद करो, रिक्शा वालों की तरफ से कुछ बोलो, हम 15,000 रुपए का फाइन दे रहे हैं, रिक्शा वाले कहाँ से देंगे इतना पैसा, रोज कमाते रोज खाते, इंदिरा जल्दी साहब को यहाँ बुला के कम से कम कुछ फाइन कम करने लगा, गाड़ी के पेपर क्लियर, आज कितने 800 गाड़ियां लग गए ले, अब रिक्शा वाले डर रहे रोज रोड पे निकलने के लिए। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ औरंगाबाद शहर में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी कार्रवाई किस पे की गई, आइए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने रिक्शे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, कितने रिक्शे नज़र आ रहे हैं आपको। औरंगाबाद में सबसे बड़ी कार्रवाई आरटीओ ऑफिसर ने की है कलेक्टर के कहने पर, क्योंकि कलेक्टर का कहना ऐसा है कि रिक्शे जो चलाने वाले लोग हैं, रिक्शे ड्राइवर है, वो अपनी डिसिप्लिन पूरी तरीके से भूल चुके हैं, किस तरीके से औरंगाबाद सिटी में जो है तो इन्हें रिक्शे चलाना है, उसके तहत जो है तो ये कार्रवाई हो रही है।
और बहुत सारे रिक्शों के कागज पेपर जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, वो क्लियर नहीं है। आइए थोड़ा रिक्शे में मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर नहीं है। जब सुनील चौहान कलेक्टर थे, उन्होंने मीटिंग लेकर कहा था सभी को कि आप अपने रिक्शे के मीटर चालू करवाइए, आप जितने भी रिक्शे ड्राइवर है, परमिट होल्डर है, आपको रिक्शे के मीटर चालू करने हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये एक रियर रिक्शा है और इसे अपने रिक्शा कहा जाता है। इन रिक्शों के पीछे हर दो सीट रहती है, वो सीट निकालने का आदेश था। आप वो सीट जो है तो इसमें नहीं रख सकते, सिर्फ आपको ये सीट रखना है और यहाँ पे जो है तो तीन लोग बैठेंगे, इससे ज़्यादा आपको रिक्शे में नहीं बिठाना है। तकरीबन औरंगाबाद शहर में ये जो कार्रवाई की गई है, मैं औरंगाबाद की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की आरटीओ ऑफिस की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक के इन्होंने दो दिन में 200 रिक्शों के ऊपर कार्रवाई की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे रिक्शे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आगे एक बात यह है कि रिक्शे ड्राइवरों को पौती मिल चुकी है, रिक्शे ड्राइवरों के रिक्शे यहाँ पे सीज कर दिए गए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनको जो है तो फाइन दिया जा रहा है। अगर किसी के पास में मीटर नहीं है तो उसको 1,000 रुपये का फाइन, किसी के पास में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है उसको 1,000 रुपये का फाइन, ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट्स ऊपर से नीचे तक गिने जा रहे हैं। वो हिसाब से तकरीबन 10,000-15,000, अभी एक रिक्शा ड्राइवर ने हमें जानकारी दी कि किसी किसी को 30,000-35,000 का भी फाइन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब चलिए आते हैं बेरोजगारी की तरफ। कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया है आरटीओ को कार्रवाई करने के लिए, वो पूरी तरीके से मान्य है। दूसरी बात, आरटीओ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से मान्य है। अगरचे आप सिटी में रिक्शे चला रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट और ट्रैफिक के जो नियम है उसके तहत आपको रिक्शे चलाना है, उससे हटेंगे तो आपको फाइन तो मिलेगा। लेकिन क्या ये बात आपको हजम हो रही है कि दो दो दिन, तीन तीन दिन इनके रिक्शे यहाँ पर खड़े है और इनसे फ़ाइन मांगा जा रहा है? आप फाइन की एक स्लिप बनाइए, उस पर फाइनल डेट डाल के इनको दे दीजिए, रिक्शा इनका छोड़ दीजिए। अगरचे रिक्शा चलाएंगे नहीं सिटी में तो फाइन कहाँ से आके भरेंगे? ये घर के लखपति करोड़पति रिक्शा ड्राइवर नहीं है? इनका जो दिन भर का जो कारोबार होता है, दिन भर का जो इनो कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से घर पे 500-300 रुपया लेकर जाते हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि एक दिन से ज़्यादा चलते होंगे। अब यहाँ पर अगरचे इनको फाइन 10,000 रुपया देते हैं आप, तो एक गरीब रिक्शा ड्राइवर कहाँ से 10,000 रुपये आपको ला के देंगे? फाइन देने का अगर चाहिए रूल अगर आप निकालते हैं, ये रूल अगर करते हैं कि फाइन की ये आपकी स्लिप है और आपको 8 दिन के अंदर ये फाइन ला के भरना है, तो बंदा इसी पर मेहनत करेगा और वो बचत का जो पैसा है वो लाकर आपको फाइन भरेगा। और मुझे नहीं लगता कि रिक्शा ड्राइवर इतनी बड़ी फाइन लेने के बाद में दोबारा ऐसी गलती करेगा या नियम से हट के रिक्शा चलाएगा। यहाँ पे कुछ रिक्शा ड्राइवर वगैरह मौजूद है, आइए उनसे बात करके देखते हैं उन्होंने हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, हाँ कितना इनको जो है तो फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे आरटीओ भी है, रिक्शा ड्राइवर कौन है यहाँ पे? रिक्शा ड्राइवर कौन है? बात करेंगे क्या हमारे? आप सब रिक्शा ड्राइवर है, आइए ना, ये हमारे सब भाई लोग रिक्शा ड्राइवर है, यहाँ पे मौजूद है। अभी जैसे हमने आपको सबको बताया कि एक रिक्शा ड्राइवर सिर्फ अपनी कमाई घर पर बड़ी मुश्किल से 300-400 रुपये लेकर जाता होगा दिन भर में कमा के, तो यहाँ पे अगर 3 दिन रिक्शा 4 दिन रिक्शा खड़े रहती है तो फाइन का पैसा कहाँ से लाएंगे? जैसे हमने बताया कि कोई घर में जमा पूंजी नहीं है, और करोड़पति नहीं होते रिक्शा ड्राइवर घर से। रिक्शा ड्राइवर का नाम आते ही सबको पता चलता है कि इसके पास में कितना बैलेंस होगा। ये हमारे साथ हमारे भाई मौजूद है, आपका नाम बताइए और कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 4 साल से रिक्शा चलाता हूँ। ये सर अभी देखिए सर, इतना भी हो गया है, मतलब ये रिक्शे का 20,000-25,000 फाइन कैसे भरेगा आदमी? गरीब आदमी है, 300-400 रुपये कमाने वाला, अब एकदम इतना अमाउंट कितना भरेगा? इन्होंने कुछ सहूलत देनी चाहिए कि भाई आप इतना भर सकते हैं, कुछ बोलने को राजी नहीं है, बात करने को राजी नहीं हूँ। तो मतलब फाइन इतना कौन सी चीज़ का ले रहे हैं आप ये सर? देखिए अभी एक लाइसेंस, एक लाइसेंस मतलब रिन्यूअल नहीं है तो उसके 10,000 रुपये, तो ये कौन सा कानून सर? रिन्यूअल लाइसेंस के 10,000 कैसे ले सकते हैं आप लोग? ओके, सिर्फ लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है तो 10,000 रुपये। और सर बाकी गाड़ी की पासिंग नहीं है, गाड़ी की और भी जो कुछ मसले हैं, तो उसके मतलब टोटल मिला के 24,000-25,000 रुपये फाइन जा रहा है। तो सर गरीब आदमी कहाँ से जाएंगे?
ये तो बहुत बड़ी बात है। एक रिक्शा ड्राइवर 24 से 25 हज़ार रुपये फाइन कहाँ से देंगे। आइए दूसरे भाई हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कैसे है कलेक्टर साहब को कुछ बोलना चाहिए क्या? बस गरीब लोगों पे बहुत जुल्म हो रहा है। रिक्शा पूरे लगा दिए, कम से कम 700-800 रुपये रिक्शा आरटीओ में लगा दिए। रोज 200-300 रुपये बंदा कमाता है, तो 15,000 रुपये कहाँ से भरेगा? तो ज़रा उस पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ऊपर वाले उन्हें। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात देखिए, हम तो वो चीज़ जनता के सामने बताएंगे जिससे औरंगाबाद शहर जनता को फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि रिक्शा ड्राइवर जो है तो अपना जो डिसिप्लिन है वो छोड़ दिए, वो डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चलाते, किधर भी ब्रेक मारते हैं, किधर से भी गाड़ी टर्न करते हैं, इससे एक्सीडेंट के बहुत सारे डर बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? कुछ लोगों की वजह से सबको बदनाम करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ये थोड़े से नशे करके जो चलाते हैं, उनकी वजह से सारे लोगों को बदनाम करना कुछ सही नहीं ना सर। अच्छा, वो बच्ची ने रिक्शे में से जो जंप की, कितना खेद करेंगे आप? मैं तो सर उसके लिए बिल्कुल खेद करता हूँ, क्योंकि सर वो गलती ऑटो वाले की, उसने नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन सर उसके चक्कर में बाकी रिक्शा वाले सब परेशान हो रहे हैं, वो तो परेशानी हो रही है सर हमारी। मतलब एक बंदा गुनाह करेगा और उसकी सज़ा सबको मिलेंगी, ये बात भी सही नहीं है। आइए हमारे साथ में एक भाई और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई हमने अभी देखा है कि आपकी जो रिक्शा है वो यहाँ से जो तो आप लेके जा रहे हैं, आपने हमको वो QR कोड भी बताइए किस तरीके से आपको फाइन बैठे। QR कोड तो मैंने अभी रिक्शा में रखा हूँ, और मेरे को फाइन जो है तो मेरी गाड़ी पूरी क्लियर थी, लाइसेंस इंश्योरेंस POC पासिंग फिटनेस सब मेरा क्लियर था। मेरे को 2,000 रुपये का फाइन हुआ, और मैं अभी गाड़ी यहाँ से गेट पास लेके, अभी समझो बुध के दिन मेरी गाड़ी लगी हुई है, बुध जुमेरा जुमा हफ्ता, आज चौथा दिन है। आज मैं गाड़ी 2,000 का फाइन लगा, मगर उसको प्रोसीजर को मेरे को 4 दिन लगे। ओके, पूरे प्रोसीजर को ओरिजिनल पेपर लगा, ओरिजिनल परमिट लगा, ओरिजिनल RC लगी, हर चीज़ ओरिजिनल वहाँ बताने के बाद, वेरीफाई होने के बाद परमिट होल्डर वहाँ लग रहा, और उसके बाद फिर वो वेरीफाई होने के बाद मेरी गाड़ी अभी जो है तो रिलीज़ हो गई गेट पास। कितने दिन से आपकी गाड़ी यहाँ पे? बुध के दिन मेरी दोपहर में RTO ऑफिस के सामने का जो मस्जिद का सिग्नल है उस पर मैं खाली ठहरा हुआ था, मेरी गाड़ी को मीटर मैंने बनाने को दिया था, और वहाँ से मेरी गाड़ी लेकर आए। कितना नुकसान हुआ आपका? 4 दिन का मिनिमम अगर 500 रुपये रोज भी पकड़े तो 2,000 वो चले गए, 2,000 घर पे चले गए, 2,000 मीटर वाले को चले गए, और 2,000 रुपये RTO ऑफिस में जो है तो फाइन को चले गए। कुछ ऐसा समझो 2,000 का फाइन मिलने के बाद भी मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो चुका। क्या नाम है आपका? शेख हकीम, शेख हमीद। तो चलिए दर्शकों, आपको जो है तो मैंने ये औरंगाबाद शहर में RTO ऑफिस की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया हूँ। 200 रिक्शों पर अभी तक की कार्रवाई हो चुकी है, और अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई बता रहे हैं कि 650 रिक्शों पे कार्रवाई हुई है, और अंदर जब हमने RTO ऑफिसर को पूछा है तो उन्होंने बताया है कि 185 या 200 के आसपास, पता नहीं उन्होंने क्यों छुपाया हमारे से या फिर इनको आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन जिनकी रिक्शे लगी है वो खुद बता रहे हैं कि अभी तक के 600 रुपये तक के। अच्छा अच्छा, ये पूरे औरंगाबाद में, पूरे औरंगाबाद शहर में जो RTO ऑफिस की जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पे रिक्शों को सीज करके रखा हुआ है। मतलब हम सिर्फ यहाँ के रिक्शे गिन रहे थे, यहाँ पे सिर्फ हो सकता है 200, और उधर दूसरी तरफ पर और हर जगह पे। तो चलिए आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि ये कार्रवाई कितनी सही है और कितनी गलत है। मैं असगर अली, आप देख रहे थे मेरा चैनल आप तक डिजिटल।